Hello everyone, let's start with question number 3. So it says, what were the limitations of Newland's law of octave? तो limitation इनकी ये थी कि जो इन्होंने table बनाया था उसमें इन्होंने कुछ 56 elements लिखे थे और उन्होंने बोला था कि ये satisfy कर रहा है law of octaves से. तो law of octave क्या था कि first element जो उन्होंने place किया और उसके बाद जो 8th element होगा इन दोनों की chemical property same होंगी. बट ऐसा सिर्फ एप्लीकेबल हो पाया कैल्शियम तक. तो कैल्शियम कुछ इनके में 16th पे था, तो सिर्फ ये दो तीन पेयर ही बता पाए थे जब तक आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल हो पा रहा था. लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या है कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी. जो उन्होंने टेबल बनाया है जब उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट है इनका लिथियम, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी. फिर उसके बाद 8th और 8th के बाद नेक्स्ट 8th की प्रॉपर्टी सेम होगी. तो अब कैल्शियम के बाद ये जो प्रॉपर्टी वाला सीन था ये बिल्कुल खत्म हो गया. इसके बाद ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, कैल्शियम के बाद सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था. सो दिस वॉज वन ऑफ द लिमिटेशन. सेकेंड था कि उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि इसके बाद कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ऐसा तो नहीं है, अभी भी देखोगे आप तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, साइंटिस्ट को फाइंड किए जा रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं बहुत सारी. तो अभी कुछ आप अगर आपको पता हो तो 112 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. तो उन्होंने ये एज्यूम किया था कि 56 एलिमेंट्स होंगे, ऐसा गलत है. उन्होंने बस ये एज्यूम करके अपना टेबल कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट है सी इज To fit the element into his table, Newlands adjusted two elements in the same slot. और उन्होंने क्या एक गलती करी कि एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स डाल दी. दो दो एलिमेंट्स थे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. इट वॉज ऑफ कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक ही प्लेस पे एडजस्ट कर दिया कि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो चलो इस वाली लोकेशन पे इनको पुट कर देते. तो ये गलत था, कभी भी एक जगह पे दो दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.